हमारे संत समाज का निर्दयी तरह से हत्या पाल घर में थे, इसका पूरा का पूरा जिम्मेवार महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। जिस दिन लॉकडाउन टूटेगा आप रोक नहीं पाएंगे, आपकी आर्मी भी नहीं रोक पाएगी। भारत में संत ही नहीं रहेंगे तो फिर कौन रहेगा? यह भूमि संतों का है और संतों का रहेगा। बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी, बोले या ना बोले, संत किसी के दबाव में नहीं रहता है। ये भी भूल जाए उद्धव ठाकरे की भजन करने वाले जिस दिन अगर तलवार उठा लें तो धरती पर कोई रोक नहीं पाएगा। जय श्री राम, जय श्री राधे। मैं महंत मुरारीदास दिगंबर अखाड़ा सरौती मठाधीश, जो भी हमारे संत समाज का निर्दयी तरह से हत्या पाल घर में निहत्थे तीन साधुओं को हुआ है, एक ड्राइवर था, दो साधु थे, इसका पूरा का पूरा जिम्मेवार महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। और उद्धव ठाकरे जी ये समझ लीजिए, मैं चैनल माध्यम से आपको कह रहा हूँ कि अगर पाल घर में जो भी संत को निर्दयी तरह से हत्या हुआ है उस पर आप सही कदम नहीं उठाए, और कहने का मतलब कि उनको जेल की सजा नहीं चाहिए। जैसे संतों का निर्दयी तरह से हत्या हुआ है उस तरह से पूरे पाल गांव के जो भी निर्दोषी लोग हैं उनको फांसी दिया जाए, नहीं तो अन्य अथवा सरकार के हम लोग आदेश का पालन कर रहे हैं, जिस दिन लॉकडाउन टूटेगा आप रोक नहीं पाएंगे, आपकी आर्मी भी नहीं रोक पाएगी। और इसमें तेरहों संप्रदाय के दिगंबर से लेकर जूना निर्वाणी निर्मोही पचंगनी दशनामी सभी संत एक हो गए हैं। जो भारत में संत ही नहीं रहेंगे तो फिर कौन रहेगा? यह भूमि संतों का है और संतों का रहेगा। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं चैनल के माध्यम से कि आप जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करके और पाल घर के दोषियों को फांसी की सजा दें। नहीं होगा तो हम लोग बस सरकार का आदेश का पालन कर रहे हैं और करते रहेंगे। जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा उसी दिन हम लोग पाल गांव पर चढ़कर जो हम लोग को संतों का निर्दयी तरह से हत्या हुआ है एक एक का प्रतिशोध का बदला लेंगे। और नरेंद्र मोदी बोले या ना बोले, संत किसी के दबाव में नहीं रहता है। ठीक है वो राजा हैं, हम संत हैं, लेकिन हमारे नाव के पीछे महाराजा लगता है, लेकिन हम संत होने के नाते इस भारत में रहने के नाते हम लोग मर्यादा में जीते हैं और मर्यादा का पालन करते हैं। इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी का आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि लॉकडाउन तोड़कर हम लोग नहीं जा सकते हैं। जिस दिन लॉकडाउन टूटा उस दिन हम लोग पाल घर पहुंच जाएंगे, और पहुंचने के बाद दो संतों का निर्दयी एक ड्राइवर का जो हत्या निर्दयी तरह से किया गया है उसका प्रतिशोध का बदला हम लोग लेंगे। और ये भी भूल जाए उद्धव ठाकरे की भजन करने वाले जिस दिन अगर तलवार उठा लें तो धरती पर कोई रोक नहीं पाएगा। जय श्री राम, तो जय श्री मतलब आप साधु लोग भी तलवार उठा लेंगे? एकदम उठा लेंगे। जब हमारी फैसला नहीं होगी, हमको न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? हमारे धर्म में कहा गया है कि राम ने रावण से बार बार विनय किया है कि सीता को लौटा दो, तुम्हारा राज दे दूंगा, लेकिन रावण नहीं माना तो राम को भी बाण उठाना पड़ा। उसी तरह से हम लोग भी बार बार उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री महाराज से आग्रह कर रहे हैं, सभी संत कर रहे हैं कि इस अन्याय का फैसला आप करिए, नहीं तो अन्य अथवा हमें राम की तरह बाण और तलवार उठाने में हिचक नहीं है। क्या लग रहा है कितने साधु संत पहुंच सकते हैं पाल घर? कम से कम 3 लाख से ऊपर। 3 लाख पहुंचेंगे? हाँ, 3 लाख से ऊपर। तब तो गर्दा क्यों उड़ेगा? प्रतिशोध का बदला हम लेंगे। जैसे रामचरितमानस में रावण की यहाँ हनुमान जी गए हैं, रावण ने बुलाया है तो कहे हनुमान जी कि मैं पहले नहीं मारा, जो मैं मारू तो मैं मारा, अगर वो मारा है तो हम मारेंगे, नहीं तो सरकार इसका फैसला करे। मार का बदला मार से पहले हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ की सरकार की, वहाँ की राजा से कि आप राजा हैं,
इसका दंड दीजिए, नहीं देंगे तो हमें तो बाध्य होकर जाना ही पड़ेगा। क्या लग रहा है इस तरह से अगर मॉब लिंचिंग कर दिया जा रहा है, कौन इसको बढ़ावा दे रहा है, कितना आसानी से भीड़ इकट्ठा होकर मार दे रहे किसी को भी? इसका पूरा जिम्मेवार वहाँ की सरकार। क्या लग रहा है मोदी जी को अब इसको? नहीं, मोदी जी कहाँ है वहाँ? चुप्पी तोड़नी चाहिए उनको। चुप्पी क्यों तोड़े हैं? वह उद्धव ठाकरे से बात कर रहा है, उद्धव ठाकरे वहाँ का राजा है, उद्धव ठाकरे को सोच कर विचार कर उन लोगों को फांसी देना चाहिए।